कहते हैं जब इश्क परवान चढ़ता है तो जाति धर्म भेदभाव हर कुछ खत्म हो जाता है। झारखंड के धनबाद से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दो नाबालिग सहेलियों ने आपस में मंदिर में जाकर शादी रचा ली और परिवार से अलग रहने की ठान ली। हालांकि लेस्बियन कपल में एक की उम्र 14 साल है तो दूसरी 13 साल की है, जिस कारण पुलिस ने इन दोनों लेस्बियन को फिलहाल बालिग होने तक अपने अपने परिवार के पास रहने को भेज दिया है। दोनों लेस्बियन सहेलियों का नाम पूजा है। दोनों धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र के सुगिया डी की रहने वाली है। इस लेस्बियन कपल में से एक 14 वर्षीय पूजा अपने आप को अपनी प्रेमिका का पति बताती है। वो लड़कों जैसे हेयर स्टाइल और कपड़े पहनती है और किसी लड़के की ही तरह बिना किसी झिझक के बेधड़क किसी भी सवाल का जवाब भी देती है, जबकि 13 वर्षीय पूजा एक लड़की की तरह काफी सौम्य और सरल नजर आती है। वो हर सवाल का जवाब भी काफी रुककर और अपने प्रेमी से उसका जवाब सुनकर ही देती है। इस लेस्बियन कपल में पति बनी 14 वर्षीय पूजा ने बताया कि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहने की बात करती है। उसने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी उन्होंने घर से भागकर एक मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी रचा ली और पास के ही एक झोपड़ी में रहने लगी। इस बीच वो दोनों अपने एक फ्रेंड से भी मदद लेनी चाही, लेकिन ऐसा मामला देख उसके फ्रेंड ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया, जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ गए। इस बीच 13 वर्षीय पूजा की माँ ने पूजा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद तत्काल दोनों परिवार के लोगों ने इन दोनों लेस्बियन कपल को लेकर सराय ढेला थाना पहुंची, जहां से आज पुलिस ने इन्हें धनबाद महिला थाने के हवाले कर दिया। थाने में बैठी 14 वर्षीय पूजा मीडिया के हर सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहती है, अभी हम दोनों नाबालिग हैं, जब हम बालिग हो जाएंगे तो अपनी पत्नी को उसके घर से लेकर जाएंगे और अपने साथ ही रखेंगे, और मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि फिर दोबारा कभी पुलिस थाना का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस बीच यदि उसके साथ उसके घर वालों ने कोई जाति की तो मैं उसी वक्त उसे अपने साथ ले जाऊंगा। इसी शर्त के साथ हम अपने अपने परिवार के पास बालिग होने तक के लिए लौट रहे हैं। वहीं पत्नी बनी 13 वर्षीय पूजा बताती है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, लेकिन अभी हम नाबालिग हैं, इसलिए फिलहाल हम अपने परिवार के पास जा रहे हैं। बालिग होने पर मेरा साथी मुझे अपने साथ ले जाएगा। वहीं इस लेस्बियन कपल के परिजन इसकी इस हरकत से हतप्रभ है और काफी गुस्से में है। वो अपनी बेटी को अपने पास ले जाना चाहती है। वो कहते हैं, कभी एक लड़की दूसरे लड़की से शादी कर सकती है क्या? वो इनके इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर अपनाने को तैयार नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए फिलहाल इस लेस्बियन कपल को समझा बुझा कर उनके परिजनों के साथ भेज दिया है। नाम हुआ आपका? पूजा। कहाँ रहती हो? रघुकुल के पास। अच्छा, आपने शादी किया है जी? किनके साथ शादी किया आपने? बेटी पूजा कुमारी। अच्छा, उसका भी नाम है पूजा। अच्छा, कब से उसको आप जान रहे हैं? बचपन से। अच्छा, क्या सोचकर आपने शादी किया? क्या सोच के? बचपन से हम तो उससे प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा हमसे प्यार करती है। ना रह पाएगी, मेरा बहन नहीं रह पाएगी, तो हम लोग शादी की एक मंदिर में, और हम लोग शादी करके एक तालाब के बगल में जंगल तरह था, एक झोपड़ी तरह वहाँ रहे थे। इसके बाद एक फ्रेंड के घर में, वो लोग कभी घर में तो नहीं रह सकते हैं ना, इसीलिए वहाँ से निकल गए, घर आ गए। घर से आए तो ये लोग पुलिस थाना लेकर आए, तो वहीं से बात कर लेते हैं। आने खोज देते, इनकी मम्मी नहीं आने दे रही थी पुलिस थाना, तो नहीं आने दी, तो बाद में तैबे किए ना, तो इसके बिना हम मर नहीं रह पाएंगे, इसके बिना मर जाएंगे। इसका किसी से रिश्ता लगा लेगा तो हम जान दे देंगे। वो 18 साल के बाद हम इसको लेकर आ जाएंगे। अभी कितना उम्र है? अभी 14। उसका 13। अच्छा, ये बता, आप भी लड़की हो, वो भी लड़की है? जी। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपने? वही राजी, वो अपने घर से हमको टान के लाई थी, वही मंदिर पे ले गई, सिंदूर लाए, मंगलसूत्र लाए, पहनवाए। अच्छा, तो घर में क्या बोल रहे हैं? मम्मी लोग बोल रही है, वो उसकी भी मम्मी बोल रही थी, आगे तुम इसका साथ रहने को खोजती तो रहो, आगे बोली कल आई थी तो उसकी मम्मी बोली जिसका साथ रहने को खोजे तो इसके घर में रहो, इसके बाद बोला हम नहीं रहेंगे, जब हम रख ही पाएंगे, खिला पाएंगे, कमा पाएंगे, हम कैसे नहीं रखेंगे, हम रखेंगे ना, हम तो पुलिस में शिकायत तक नहीं आने देंगे, हम ऐसा रखेंगे उसको। तो इसकी मम्मी लग कर दी, तो सब लोग बोले 18 साल हो जाएगी तब उसको लेकर आना, तो हम बोले ठीक है, उसको 18 साल हो जाएगी तो हम लेकर आएंगे, तो आगे इसको कहीं ले जाएगा, कहीं छोड़ देगा, मारेगा पीटेगा तो हम लेकर आ जाएंगे। का मेरा वाइफ है, उससे तो हो नहीं सकता किसी से मार के लाए, तो ही हम इसको
18 साल के बाद लाएंगे। तो अभी क्या करेंगे फिर? अभी अपने घर में रहेगी, हम अपने घर में रहेंगे, हम कमाएंगे और काम करेंगे, और वो अपना घर में काम करेगी। वो आपका? पूजा कुमारी। अच्छा, कहाँ रहती हो? इतना कम उम्र में आप दोनों शादी कर लिए, वो भी एक लड़की के साथ थी, क्या मन में आया था और क्यों किया इस तरह? क्योंकि वो मेरे बचपन का प्यार है, हम उसके बिना नहीं रह सकते ना वो मेरे बिना। हम लोग का पैसा नहीं। तो अभी आप लोग को थाना लेके आए हैं, थाना में क्या कहा गया? थाना में किया 18 साल के बाद मिलेंगे। हाँ, 18 साल के बाद मिलेंगे, तभी तुम लोग का हो सकता है। अभी तुम लोग को मिलना भी नहीं है, एक फोन कुछ नहीं करना, बात भी नहीं करना। अच्छा, जिसमें आप दोनों में पति कौन है और पत्नी कौन है? वो पति है। अच्छा, ये बताइए, आप पूजा का मम्मी है, वो दोनों लड़की जो है एक साथ शादी कर लिया है, दोनों नाबालिग भी है, अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, उन लोग को बोल दिए हैं कि दोनों को ये कर दीजिए, दोनों अलग रहेगी, हम अपना बेटी के लिए जा रहे हैं, मेरा बेटी मेरा पास रहेगी, उसका बेटी उसका पास रहेगी। आप लोग को कब तो पता चला कि ये लोग शादी कर रहे हैं? हम लोग को कल पता चला कि लोग शादी कर रहे हैं। कब शादी की थी लोग बताइए? कल शादी की। कल ही शादी? आपको विश्वास हो रहा है कि दो लड़की आपस में शादी कर ली? नहीं है, ये लोग सिंदूर भी दिया है। दोनों लड़की है, आपको विश्वास हो रहा है कि दोनों शादी कर लिया है? पता नहीं, अब देखें मांग में सिंदूर मंगलसूत्र देखें क्या करें। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि मेरा बेटी मेरा हो जाए, उसका बेटी उसका हो जाए, हम उसके साथ में शादी, लड़की लड़की शादी होता है, बोलिए हम ले जाएंगे अपना बेटी को, जो करे उसको हमको देखना नहीं है, कुछ भी कर लो। मैडम बताएंगे, दो लड़की जो है आई है यहाँ पे, दोनों लड़की जो है आपस में शादी कर ली है, क्या पूरा मामला क्या है? ये सराढ़ीला थाना अंतर्गत का मैटर है। सराढ़ीला थाना में ये दोनों गई थी और वहाँ से महिला पदाधिकारी और एक आरक्षी के साथ में यहाँ महिला थाना लाया गया है। दोनों से पूछताछ हो रहा है, दोनों बताला रही है कि हम लोग मंदिर में शादी कर लिए हैं, चूँकि दोनों नाबालिग लड़की हैं। दोनों लड़की है? दोनों लड़की है। अच्छा, तो क्या इन लोगों को क्या दोनों शादी कर भेज दिया जाएगा या फिर उन लोगों को अलग अलग ये किया जाएगा? नहीं, दोनों ने एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोग अभी अपने अपने घर चले जाएंगे।